السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी कल क्लास चल रही थी और क्लास का टाइम हो जाने की वजह से परसों क्लास कनेक्टेड हो क्लास खत्म हो गई थी। बहरहाल बात चल रही थी सूरह फातिहा के बारे में, चूंकि सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है और जब ये सूरह शिफा है तो इसके तहत ये बात आई थी कि बुखारी शरीफ में दम तावीज वगैरह पर उजरत लेना जायज है या नहीं। तो वो वाकया चल रहा था जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी में जिक्र फरमाया है। और उस वाक़े में एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ के उस कबीले के सरदार के ऊपर दम किया जिसको उस एक जहरीले सांप ने काट लिया था। तो सहाबा में आपस में रायों का इख्तलाफ हुआ। बाद सहाबा ने कहा कि तुमने जो उजरत दी है वो जायज नहीं है, वो बेहतर नहीं है। चुनाचे जब भी कोई मसले में इख्तलाफ होता तो सहाबा इकराम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू फरमाते और उनसे मसले की तहकीक करते। और उससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमें भी जब किसी दीनी मसले में और दीन के बारे में कोई डाउट हो तो ऐरे गैरे की बात को सुनकर यकीन नहीं करना चाहिए और न खुद बहसो मुबाहिसा करना चाहिए, बल्कि वारिसीन अंबिया उलमा इकराम से रुजू करना चाहिए और पूछना चाहिए। और इसका हुक्म कुरान करीम में भी है, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम किसी सिलसिले में कुछ नहीं जानते हो तो अहले इल्म उलमा से पूछो। बहरहाल सहाबा इकराम जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपस में बहस नहीं करी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी के अल्फाज हैं, कद असब तुम, तुमने मसला ठीक बताया, अब बकरियों को तकसीम कर लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये भी फरमाया, मेरा भी हिस्सा निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को के गोश्त को क्या करना था। ये तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की दिलजोई करनी थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फरमाया कि मेरा हिस्सा किधर है, मेरा हिस्सा भी लाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को दुआ दम तावीज पर उजरत लेने के बाब में लिखा है। लिहाजा किस कदर हम लोगों की हिमाकत की बात है कि लोग फतवे देते फिरते हैं, तावीज हराम, दम हराम, उनकी उजरत लेना हराम। ये मुफ्त के मुफ्ती जो है इस तरीके से फतवे लगाते ही बड़ी जुरात की बात है। बहरहाल लेकिन ये समझा जाए कि सूरह फातिहा सूरह शिफा है और इसी के तहत ये आया कि दम तावीज वगैरह भी किए जा सकते हैं। मैंने बताया तीन शर्तों के साथ तावीज भी जायज है, लेकिन हमारा जो मिजाज बना है कि हर चीज का इलाज तावीज हो, हर चीज का इलाज वजीफा हो, हर चीज का इलाज दम हो, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि सदका भी परेशानियों का के हल का वाहिद हल। लिहाजा जहां भी कुछ परेशानियां जब घेर ले, हालात जब आ जाएं, तो सदका निकालने का एहतमाम करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सदकों से अलबलाएं टलती हैं, अल्लाह का गजब ठंडा होता है और आसानियां पैदा करता है।
सदका, जब तक सदके की रकम हमारी पास होती है हम उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, लेकिन जब सदके की रकम हमने किसी मुस्तहिक और गरीब को दी होती है तो अब वो सदका हमारी हिफाजत करता है, लिहाजा सदका बलाओं से हिफाजत का जरिया। लेकिन आम तौर पर सदका निकालते तो हैं, लेकिन सदके में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, हद है 50 रुपए। कम से कम सदके की रकम इतनी होना चाहिए जो दिल पर असर अंदाज हो, जिसमें कुर्बानी पाई जाए। कुरान करीम के 4वें पारे में लन तनाल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकोगे जब तक के तुम राय खुदा में वो चीज खर्च करो जो तुम्हें महबूब है। हमें महबूब क्या है? 200 का नोट। हमें महबूब है 500 का नोट। हमें महबूब और पसंद है 2000 का नोट। लिहाजा सदके में जो है ज्यादा से ज्यादा सदके का अहतमाम करना चाहिए। दूसरा, अब बात यहाँ खत्म हो गई, ये सूरह सूरह फातिहा के नाम आ गए। इसके अंदर 7 आयतें ही और 1 रुकू है, और तो दूसरी सूरत ये, दूसरी चीज इस सूरत के बारे में है कि ये मक्की सूरत है। क्या है? मक्की सूरत, मक्की सूरत है। अब कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ मदनी हैं, और मक्की और मदनी का मियार क्या है? प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुवत मिली, यानी अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहि सलातु वसलाम के जरिए से अल्लाह के पैगाम, अल्लाह के संदेश, अल्लाह के मैसेज, अल्लाह के आहकाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने लगे, उस वक्त से उसको वही कहते हैं, नबूवत में कहते हैं, और 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत के बाद आपकी कुल उम्र 63 साल थी, 40 साल नबूवत से पहले की जिंदगी है, और 23 ईयर्स जो है नबूवत के बाद। जो नबूवत का जमाना है इसके भी 2 हिस्से हैं, चूंकि नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहे, मक्का में दावत देते रहे, और जिन्होंने दावत कबूल करनी थी उन्होंने की, और जिन्होंने नहीं की थी वो सताते रहे, परेशान करते रहे, लेकिन प्यारे आका खामोशी से तमाम जुल्म व सितम को बर्दाश्त करते रहे, हत्ता कि आपके सहाबा इकराम जानिसार सच्चे पक्के ईमान वालों ने भी बेतहाशा ईमान और कलमे के खातिर कुर्बानियां दी। तो कुल मिला के कुरान करीम जो नबूवत के बाद नाजिल हुआ है इसके 2 हिस्से, एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर। मक्की दौर 13 साल का है और मदनी दौर जो है वो 10 साल का, क्योंकि 53 साल की उम्र में प्यारे आका ने हिजरत फरमाई। लिहाजा तो कुरान करीम 2 अलग अलग जगहों पर नाजिल हुआ। मक्की दौर में 13 साल तक कुरान करीम नाजिल हुआ, मदनी दौर में कुरान करीम नाजिल हुआ। तो कुरान करीम की 114 सूरतें जो हैं उसमें से कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ मदनी। मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, सूरह फातिहा ये मक्की है या मदनी? आप देखेंगे कुरान शरीफ को खोलेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है सूरतुल फातिहा को मक्किया, ये मक्की सूरत है। मक्की और मदनी किसे कहते हैं? आम बंदा ये समझता है जो सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई वो मक्की है, और जो सूरत और आयत मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई वो मदनी है। यह आम तौर पे लोगों की समझ है, ये मक्की और मदनी की सही तफसीर नहीं है। उसूल याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 अहम दौर हैं, एक हिजरत से पहले और एक हिजरत के बाद। वो सूरत या आयतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की हैं, चाहे वो ताइफ में नाजिल हुई हो, और जो सूरत हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है, चाहे वो मक्का ही में क्यों नाजिल ना हुई।
तो पता चला सूरतों और आयतों के मक्की और मदनी होने का जो उसूल है वो ये है कि हिजरत से पहले जो कुरान करीम नाजिल हुआ वो मक्की कहलाया, अगरचे वो मक्का से बाहर नाजिल हुआ हो, और हिजरत के बाद जो कुरान करीम की सूरतें और आयतें अल्लाह की तरफ से आई वो सब सूरतें और आयतें मदनी कहलाती हैं, चाहे उस वक्त आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही पे क्यों ना हो। जब आपने ये समझ लिया, अब ये बात समझ में आ गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो कुरान करीम का नुजूल हुआ उसको मदनी कहें या मक्की, क्या कहेंगे? जब प्यारे आका मदीने हिजरत कर जाने के बाद मक्का में आए और फातिह बनकर विक्टर और बिल्कुल जीत कर आप मक्का में दाखिल हुए तो बताइए उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई या उस वक्त जो आयतें नाजिल हुई पता मक्का के मौके पर वो मक्की कहलाएंगे या मदनी कहलाएंगे? मदनी कहलाएंगे जी, माशाल्लाह मदनी कहेंगे। तो जो सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की है चाहे मक्का से बाहर नाजिल हुई हो, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है चाहे वो मक्का में ही नाजिल हुई। बहरहाल सूरह फातिहा के मक्की होने की दलील क्या है? सूरह फातिहा के मक्की होने की दलील ये है कि मक्का मुकर्रमा में ये नाजिल हुई, कुरान करीम में है وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, यानी हमने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयत अता की। और ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। जब ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई तो इसका मतलब ये है कि सूरह फातिहा पहले नाजिल हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने जब ही तो फरमाया वलकद आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरआनल अजीम। अब इसी तरीके से सूरह फातिहा के अंदर 7 आयत, देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। ये जो गोल निशान होता है सर्किल, ये सर्किल जो है वो आयत कहलाता है, आयत गोल गोल आयत, आयत का माने स्टॉप। ये आयतें पूरे कुरान में 6666 है। इन आयतों का के रुकना है, बाज तो आयत करते हैं बाज आयत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगहें कुरान करीम में ऐसी हैं जहां पर ठहरने से मतलब बिगड़ जाता है और जहां पर न ठहरने से भी मतलब बिगड़ता है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूं कि देखिए 2 सेंटेंस है, मैं आपसे कहूं रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ये सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप चले जाओ फौरन, जल्दी जाओ, है ना। और मैं इसको कहीं रुकूं, मैंने कहा था रुको मत, ये एक अलग सेंटेंस है, जाओ दूसरा अलग सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंस का मतलब ये है कि आप फौरन चले। लेकिन मैं इस सेंटेंस को तोड़ के कहूं और कहूं रुको मत जाओ, यानी रुको मत पर मैं नहीं रुक रहा बल्कि रुको पढ़ के रुक गया और कहा स्टॉप, रुको मत जाओ, तो अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब ये कहना चाह रहा हूं जाना ही नहीं है, अब जाना ही नहीं है। इसलिए इसका तरीका समझ लीजिएगा कि सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, इसमें आप देखेंगे सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इसके आगे ऐसे ऐसा गोल दायरा और सर्किल नहीं। जो सर्किल और दायरा मैंने आपको इस पे दिखाया स्क्रीन पे, ये ऐसा आयत नहीं है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के आगे ऐसा गोल सर्किल और दायरा नहीं है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन के आगे गोल दायरा और सर्किल है। जरा पॉइंट की बात है समझने में, तो अगर समझ आपके सामने कुरान मजीद सामने रखा हुआ हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप जब कुरान करीम आपके साथ पास हो तो, या जब आप कुरान करीम खोलें तो देखना सूरह फातिहा की 7 आयत। एक तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आगे गोल दायरा है,
अर रहमान रहीम आगे गोल सर्किल है जिसे आयत कहते हैं, मालिकी यौमिद्दीन आगे सर्किल है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आगे सर्किल आयत गोल दायरा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आगे गोल दायरा और सर्किल है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम यहाँ पर गोल दायरा नहीं है, हालांकि आयत खत्म है, इसमें तो एक ही आयत है, छोटा सा तो लिखा हुआ है, इस तरीके से ये तो लिखा हुआ है, ये छोटा सा तो लिखा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम आयत नहीं है। क्या मतलब? हालांकि आयत खत्म होती है, हम लोग रुकते भी हैं, गैर المغضوب عليهم ولا الضالين आगे गोल दायरा सर्किल और आयत है। अब देखो जहां आयत खत्म हुई वहां गोल दायरा और सर्किल बना हुआ होता है, तो जब ये सात आयतें तो अनामता अलैहिम पर आयत खत्म होती है, गोल दायरा क्यों नहीं? इसमें इसकी वजह ये है कि इसमें फिकही इख्तिलाफ है, मसले का इख्तिलाफ है। मसला क्या है? सूरह फातिहा की सात आयतें इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह भी सूरह फातिहा की आयत ही है, लिहाजा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पर गोल दायरा और सर्किल न होने की वजह यह है, वो उसको आयत नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सूरह फातिहा का हिस्सा है, लिहाजा जिसने बगैर बिस्मिल्लाह के सूरह फातिहा पढ़ी उसकी सूरह फातिहा भी मुकम्मल ही नहीं होगी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूरह फातिहा की सात आयतें, बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां पर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पर जो तौ लिखा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसको आयत मानते हैं। लिहाजा यहाँ इख्तलाफ था, आयत तो खत्म होती है या नहीं, इसलिए कुरान करीम में गोल दायरा और सर्किल नहीं लिखा। लेकिन इसको आम बंदा नहीं समझता के सर्किल में क्यों नहीं लिखा, लिहाजा ये जो है इख्तलाफ को खत्म करने की वजह है। बहरहाल तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफई आप समझ रहे होंगे क्या है। देखिए कुरान व हदीस में जो मसाइल थे दौरे सहाबा में जब कभी जरूरत पड़ती थी तो सहाबा प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसले को हल कर दिया करते थे। जब प्यारे आका पर्दा कर गए तो छोटे सहाबा इकराम बड़ों से मालूम कर लिया करते थे, बड़ों का दौर गुजर गया तो छोटे जो सहाबा इकराम थे अब वो चूंकि बड़े हो गए तो ताबीकी उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा हो, लिहाजा वो उनसे मसला मालूम करने लगे। फिर ताबीन के बाद तबे ताबीन का जमाना आया, अब उनको कोई मसला मालूम करना हो तो उनसे मालूम कर लिया करते। लेकिन आखिरकार जरूरत पड़ी कि मसाइल को लिखा जाए, रूल्स को लिखा जाए, तो बड़े बड़े इल्म वाले हुए। इसमें चार मकतबे फिक्र, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम नौमान बिन साबित, इनको मानने वाले और इनकी तकलीद करने वाले हनफियुल मसलक कहलाते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इनके मसलक की को मानने वाले और तकलीद करने वाले मालिकी कहलाते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इनके मसलक को मानने वाले शाफी मसलक के कहलाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इनके मसलक को मानने वाले हम्बली मसलक के कहलाते हैं। बहरहाल ये चारों बिल्कुल बरहक है, चारों बरहक है, लिहाजा ये जो नुक्ता बताया था सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम का वो इसलिए बताया था। बहरहाल तो मैं बात कर रहा था सूरह फातिहा में सात आयतें, हमारी दलील ये है सात आयत के क्यों है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अरबी में हदीस है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु के पीछे पढ़ी, तो जब भी वो नमाज पढ़ते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते थे। देखिए ये मर्दों का मसला बता रहा हूँ, औरतों का नहीं, औरतों पे तो घर पे तनहा नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर और अफजल है,
मोहल्ले की मस्जिद के मुकाबले। जो नमाजें हैं इनमें से फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, शाह, दिन रात में पांच नमाज फर्ज है। और मर्दों के लिए मोहल्ले की मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ना ये आला और अफजल है, बल्कि सुन्नत मौकदा है। इसमें तीन नमाजें जो है वो जहरी कहलाती और दो नमाजें सिर्री कहलाती। सिर्री आप तो आप माइंड को कहते हैं, पागल को कहते नहीं, ये अरबिक में सिर्री, सिर्री सरून के माने आहिस्ता के आते, जहर के माने बुलंद आवाज, लाउडली वॉइस के। तो जहरी नमाजें, तीन नमाजें जहरी कहलाती हैं क्योंकि उसमें इमाम जोर से पढ़ता है और मुक्तदी उसको सुनते। एक फजर की नमाज, एक मगरिब की नमाज, एक इशा की नमाज, और जुमे में और ईद में और तरावी में ये अलग। दो नमाजें ऐसी हैं जिसको सिर्री नमाज कहते हैं क्योंकि उसमें इमाम और मुक्तदी दोनों आहिस्ता पढ़ते हैं। वो नमाज क्या है? वो नमाज है जोहर और असर। बहरहाल हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तो खुलाफाए राशिदीन और प्यारे आका के पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन जहरी नमाजों में जब आपने अलहम्दो शरीफ शुरू की तो बिस्मिल्लाह आवाज के साथ नहीं पढ़ी। क्यों क्यों नहीं पढ़ी? अब बात समझना आसान है। अगर बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा का पाठ और हिस्सा और भाग होता तो जब सूरे फातिहा जहरी जहर यानी आवाज से पढ़ी जा रही है तो बिस्मिल्लाह भी जहरन यानी आवाज से पढ़ी जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह को जहर यानी आवाज से न पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह को जहरन यानी आवाज से पढ़ना इस बात की दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा का जुज़ नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये अक्ल फहम और दानिश थी। बहरहाल दूसरी चीज, ये सात आयतों की बात हो गई, अब आते हैं आगे देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं बहुत ही बड़ी बहुत मुख्तसर तफसीर अर्ज कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। तो तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। कुरान करीम का आगाज, ओपनिंग और शुरुआत देखें किससे हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरान करीम का एंड और कुरान करीम का इख्तिताम जो हो रहा है वो देखें, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, यानी कुरान करीम के शुरू में भी रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कुरान करीम की आखिरी आयत, आखिरी सूरत, उसकी पहली आयत, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। तो कुरान करीम के शुरू में भी रब और आखिर में भी रब। पहले अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम लाए और रब अपनी सिफत लाए, और जब कुरान खत्म हुआ, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, फिर भी अपनी सिफत रब लाए। वजह यह है कि सिफत रब अल्लाह ताला की वो सिफत है, वो सिफाती नाम है जो तमाम आपके सिफाती नामों को घेरे हुए। रब में खुदा की सारी सिफात आ जाती हैं। कुरान करीम को शुरू भी रब से किया है और कुरान करीम को खत्म भी रब से किया है। रब चुनाचे कुरान करीम में चहल रब्बना है। चहल अरब फारसी में 40 को कहते हैं, 40 रब्बना, यानी अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार, और रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ये रब रब से। अच्छा, अब रब की अजीब नुक्ता समझिएगा, आलम चार है। कितने? चार। एक वो आलम जहां से हम आए हैं, इसे आलम अरवाह कहते हैं। आलम के माने वर्ल्ड और दुनिया के आते हैं, और अरवाह ये रूह का जमा है। रूह क्या है? रूह, रूह अल्लाह का एक हुक्म है, अनमटेरियल, इसको समझा नहीं जा सकता।
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के लोगों ने यहूदियों के कहने पर ये सवाल किया था कि रूह क्या है, तो अल्लाह के अल्लाह ने प्यारे आका पर वही नाजिल फरमाई और कहा था कुलि रूह मिन अम्रिल्लाह, ए प्यारे नबी इनको ये जवाब दे दीजिए कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है जिससे इंसान जिंदा रहता है। बहरहाल एक है आलम अरवाह, अरवाह ये रूह की जमा, हम आलम अरवाह से आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उनकी पुश्त से निकलने वाली और कयामत तक आने वाली नस्ल दर नस्ल नस्ले इंसानी को चींटियों की शक्ल में निकाल दिया और अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। इसे अहदे अलस्त लेते, अहदे के अहद कहते हैं वचन को, वादे को, प्रॉमिस को। तो अल्लाह ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, कहा बिल्कुल आपने कहा था कालू का गुनाह क्यों नहीं अल्लाह आप हमारे रब हैं। यही वजह है दुनिया में हम कभी किसी से मिले नहीं होते, लेकिन कभी किसी से मिलते हैं तो दिल ये चाहता है, दिल अंदर से ही गवाही कहता है इनसे कहीं मिले, इनसे जरूर मिले। और इसका इस सवाल का जवाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली से पूछा। हजरत अली जो प्यारे आका के दामाद थे, प्यारे आका के भाई थे, चचेरे, प्यारे आका ने उनके बारे में बताया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म की सिटी हूँ, एजुकेशन सिटी एजुकेशन की का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे और डोर है। तो हजरत अली से हजरत उमर ने पूछा के अली ऐसा कैसा क्यों होता है, क्या हम एक बंदे से कभी नहीं मिले होते, लेकिन जब उसको देखते तो हमारा दिल दिमाग दोनों ये कहते कि हम इनसे मिले, हालांकि उनसे आप पहले मिलना पॉसिबल ही नहीं है, उनसे पहली विजिट और पहली मुलाकात होती है, लेकिन दिल दिमाग कहता है कि नहीं इनसे कहीं मिले। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया उमर ये आलम अरवाह में ये एक दूसरे की रूह जो साथ होती है उस साथ की मुनासिबत की वजह से ये एहसास होता है। बहरहाल आलम चार, एक आलम अरवा हो गया, एक आलम दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं, एक आलम बरज़ख यानी जहां पर हम मरने के बाद पहुंचेंगे, अगर दफनाया मुसलमान है तो दफनाया जाए और कोई और है जो जिस हाल में है वो दुनिया से उसका रिश्ता खत्म हो जाने के बाद जो दुनिया शुरू होती है उसे आलम बरज़ख कहते हैं। फिर आलम बरज़ख के दो डिपार्टमेंट हैं, एक का नाम इल्लीयीन है, एक का नाम सिज्जीन है। इल्लीयीन में वो लोग होंगे जो अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जात पर ईमान लाने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर आपकी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले इल्लीयीन में होंगे और इल्लीयीन में उनको जन्नत और जन्नत जैसी नियामतें अता की जाएंगी। और सिज्जीन, ये सिज्जीन वो आलम बरज़ख का वो डिपार्टमेंट है जहां पर गैर ईमान वाले और ईमान वाले गुनाहगार पापी मुजरिम यहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी रूहों को या उनका जिस्म अगर बाकी जिस्म खत्म हो गया तो आप बरज़खी जिस्म देकर उनकी रूह को उसमें डाला जाएगा और उनमें क्या है दोज़ख जैसी सजाएं यतनाएं और अजाबात होंगे। ये तीसरा आलम है। आलम बरज़ख के बाद एक आलम हश्र, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सब अल्लाह के सामने हुजूर पेश होंगे और सबको अपने नामे आमाल अपनी जिंदगी के किए चिट्ठे का एक एक अमल का सवाब देंगे उसे आलम हश्र कहते हैं। बहरहाल तो अब मेरे नुक्ते की बात समझिएगा, जब आलम अरवाह में थे तो अल्लाह ताला ने सवाल क्या किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या माने हैं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। यहां भी रब, आलम बरज़ख में भी रब, दुनिया में आए कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलम दुनिया में भी रब, और कुरान करीम को खत्म किया तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास यानी दुनिया में भी रब। जब हम मर के जाएंगे और अज़ाबुल क़ब्र हक़ुन, क़ब्र का अज़ाब भी हक है और क़ब्र के सवालात और जवाबात भी बरहक़ है। जब क़ब्र में जाएंगे तो फ़रिश्ता सवाल क्या करेगा,
मन रब्बो का, फरिश्ते इंसान की जिंदगी के खात्मे के बाद उसकी जिंदगी में दो इम्तिहान होंगे। एक पेपर होगा, ये पेपर ए, जिसके अंदर तीन क्वेश्चन होंगे। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयो का, तुम्हारे नबी कौन है? मां दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? ये कब्र के अंदर होगा। पेपर बी, जिसमें पांच क्वेश्चन होंगे जो अल्लाह के सामने होगा, उस पेपर बी में ये पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें सेहत दी थी, उसको किन कामों में लगाया? हमने तुमको जवानी और उम्र दी थी, उनको किस कामों में सर्फ किया? हमने तुम्हें माल दिया था, तुमने कितना उसको हमारी रजा वाले कामों में खर्च किया और कितने क्या है उसको गुनाहों के कामों में उड़ाया? तुमने कितना इल्म सीखा और उस पर कितना अमल किया? ये पांच क्वेश्चन होंगे। बहरहाल तो पहले रब आलमी बरज़ख में जब कब्र में जाएंगे तो क्या है? मर रब्बो का, और इसमें और इसके दरमियान आलम बरज़ख और आलम अरवाह के दरमियान कौन सी जिंदगी है? यही इस वाली दुनिया भी जिंदगी है, और इसमें दरमियानी जिंदगी में क्या है? दरमियानी जिंदगी के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। पता चला कि आलम अरवाह में भी सवाल लफ्ज़ रब से है, आलम बरज़ख में भी सवाल लफ्ज़ रब से है, और दुनिया में इस्तेकामत भी रब्बना कहने पर है। ये रब ऐसी सिफत है खुदा की। आलम अरवा में भी उसका तज़किरा, आलम दुनिया में भी उसका तज़किरा, आलम कब्र में भी उसका तज़किरा, आलम बरज़ख में भी उसका तज़किरा। इसलिए शुरू भी रब से किया और ख़त्म भी रब से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की ये तफसीर हो गई। अब दूसरी चीज ये समझ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं हदीस भी पढ़ाऊंगा, पांच हदीसों के बारे में बताऊंगा कि आज पांच हदीसें, क्योंकि आपके इस कोर्स में 40 हदीसें होनी है, तो इसमें हदीसों को पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम की बुनियाद, जिन्हें अरकान इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अरकाने इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों। अच्छा, एक चीज है दीन के शोबे, दीन के शोबे और डिपार्टमेंट, विभाग, शोबे को कहते हैं, विभाग को, डिपार्टमेंट को कहते हैं। दीन के 70 से ज्यादा शोबे हैं, लेकिन दीन के मशहूर पांच शोबे, उनको आपको याद करना है, नोट भी करना है। एक तो दीनी आहकाम के जो पांच हिस्से हैं दीनी हुकुम के, सबसे पहला अकायद, अकायद इसे ईमानियात भी कहते हैं। अकायद में क्या है? यानी जिन चीजों का, जिन चीजों की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, आपके एतिमाद पर उनको मानना और उनके होने का दिल से यकीन करना। जैसे जन्नत भी मौजूद है, दोजख भी मौजूद है, फरिश्ते भी हैं, पुलसरात भी है, कब्र का आजाब भी है, ये अकल में नहीं आता, लेकिन प्यारे आका ने चूंकि इसकी खबर दी है, प्यारे आका पर हमारी जान और माल सब कुर्बान, हम उन पर ईमान लाए हैं, लिहाजा उन पर हमें एतिमाद है और उनके होने का हम दिल से यकीन करते हैं, जबान से इकरार करते हैं, तो इसे कहते हैं अकायद और ईमानिया। तो वो चीजें जिनका ताल्लुक अकायद से, ईमानिया से है, उन्हें अकायद के। दूसरा शोबा है इबादत। इबादत की तीन किस्में, इबादत कौली, कौल कहते हैं अरबी में बात को, इबादत कौली उस इबादत को कहते हैं जो जबान से अंजाम दी जाती है, जैसे जिक्र है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, कलमा है, कुरान करीम का पढ़ना है, ये इबादत कौली यानी जबानी में आता। एक होता है इबादत फ़िअली, फ़िअल माने काम, यानी इबादत बदनी, जैसे रोज़ा है, नमाज है, ये इबादत फ़िअली और बदनी कहलाता है। और एक है इबादत माली, जिसमें माल खर्च होता है, जैसे कुर्बानी है, ज़कात है, फितरा है। लेकिन एक हज है,
हज एक ऐसी इबादत है जिसमें कौली भी होती है, और क्यों कौली होती है? तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ये पढ़ते नहीं पढ़ते, इसमें बदन भी थकता है तवाफ के साथ चक्कर सफा मरवा के दरमियान।